भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा गोधूली वृद्धाश्रम छिंदवाड़ा में सावित्रीबाई फूले की 192वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम प्रदेश प्रवक्ता रमेश लोखंडे, समस्त पदाधिकारी एवं वृद्धजनों द्वारा वृद्धाश्रम परिसर में पौधारोपण किया गया। तदुपरांत सावित्रीबाई फूले के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर वृद्धाश्रम में फल एवं ब्रेड का वितरण किया गया। इसके साथ ही समाज सेवक रमेश लोखंडे को उनके जन्म दिवस पर भारतीय बौद्ध महासभा तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी गई। आज देश की पहली महिला शिक्षिका और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा देश में काम करने वाली आदरणीय सम्माननीय सावित्रीबाई फुले जी का आज जयंती समारोह है। इस अवसर पर हम संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक बधाइयां प्रस्तुत करते हैं तथा देश के तमाम उपासक उपासिका भीम सैनिकों से आम नागरिकों से अपेक्षा करते हैं कि हम सब सावित्रीबाई फुले के विचारों पर चलकर इस देश का उत्थान करने में हमारा योगदान दे। और शिक्षा के क्षेत्र में जैसे उन्होंने बहुत काम किया था, पुणे में पहली पाठशाला उन्होंने बालिकाओं के लिए खोली थी और पहली पाठशाला किसानों की भी उनके द्वारा खोली गई थी, तो उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत समस्या जा रही थी। उस समय महिलाओं को कोई शिक्षा के क्षेत्र में आगे आने के लिए नहीं बोलता था और शिक्षा का विरोध करते थे। ऐसे विषम परिस्थितियों में उनके द्वारा शिक्षा की ज्योत जलाई। आज हम उनको उनके जयंती समारोह के अवसर पर बहुत बहुत आदरांजलि अर्पित करते हैं तथा उनके विचारों पर चलने का संकल्प लेते हैं। दोस्तों, न्यूज ट्रैक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।